असल क्लास नेक्स्ट हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर नाइन क्रिप्टोग्राफी का तो हमने आर एस से एलगोरिदम जो है वो स्टार्ट किया हुआ है मैंने आपको दो लेक्चर इस पर दिए हैं एक और लेक्चर जो है हम आर एस से अलगोरिदम पे ही कर रहे हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए ये क्रिप्टोग्राफी का मेन टॉपिक है ठीक है तो इस टॉपिक में हम मैंने आपको बताया था मैंने आपको स्टेप्स भी बता दिए थे कि आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है की फाइंड करनी है ई e और डी ये मेन चार वैल्यूज हैं जो आपने फाइंड करते हुए प्लेन टैक्स या साइफर टैक्स जो है वो फाइंड करना है अब प्लेन टैक्स आपको डिजिट्स में भी गिवन हो सकता है इस मेथड में और अल्फाबेट्स में भी अगर डिजिट्स में गिवन है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने जो है उसको सिंपली जो है वो सॉल्व कर लेना है और अगर आपको अल्फाबेट्स में गिवन होगा फिर आपने पहले अल्फाबेट्स को डिजिट्स असाइन करने हैं असाइन करने के बाद फिर आपने प्रोसीजर जो है वो आगे लेके चलना है आज मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने लगी हूँ आर एस एलगोरिदम का क्वेश्चन आपको किस तरह से आ सकता है यूजिंग आर एस एलगोरिदम टू इनक्रिप्ट टू टू इनक्रिप्ट टू का मतलब क्या है अब इसमें दो बातें एक तो वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन में टू इनक्रिप्ट इसका मतलब है हमने इनक्रिप्शन करनी है यानी हमें प्लेन टैक्स गिवन है हमने उसको साइफर टैक्स में कन्वर्ट करना है अब प्लेन टैक्स क्या गिवन है जस्ट टू टू इनक्रिप्ट के आगे जो भी लिखा है वो हमारा प्लेन टैक्स होगा मे बी इसके आगे कोई सेंटेंस लिखा होता या एक से ज्यादा डिजिट लिखे होते तो जो भी चीज यहाँ पे लिखी होनी है वो क्या होना है हमारे पास प्लेन टैक्स होना है तो ये हमारे पास जो टू है ये क्या है एक प्लेन टैक्स है ठीक है विद द हेल्प ऑफ अब P हमारे पास है इलेवन और Q है सेवन ठीक है P इलेवन है और Q सेवन आरएस एस एल्गोरिदम में एक और चीज आपने नोट करनी है कि जो P और Q है ये हमेशा दो प्राइम नंबर होंगे ठीक है P और Q क्या होते हैं ये जो गिवन होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं अगर आपको P इस तरह से गिवन है कि प्लेन टेक्स भी वो लिखता P इक्वल टू टू तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं ना जो P है हमारे पास है प्राइम नंबर वाला वो हमारे पास ये वाले दो नंबर हैं जो पी क्यू को जिनको हम मल्टीप्लाई करके एन लिखते हैं तो वैसे आपको पी नहीं जो प्लेन टैक्स है उसको मैं पी से डिनोट नहीं करूंगी उसको या तो टू के आगे लिखूंगी या प्लेन टैक्स लिख दूंगी ताकि आपको पता चले कि अगर डिजिट में गिवन है तो प्लेन टैक्स वाला पी कौन सा है और ये वाला पी कौन सा है ठीक है मैं पी से डिनोट नहीं करूंगी मैं या प्लेन टैक्स से करूंगी या इनक्रिप्ट के आगे जो नंबर लिखूंगी वो हमारा प्लेन टैक्स होगा अब उसने पी भी दे दिया है क्यू भी और ई e की वैल्यू भी अब हमें गिवन है क्वेश्चन में अब हमें e फाइंड करने की जरूरत नहीं है e की वैल्यू 37 क्वेश्चन में गिवन है अगर फाइंड करनी पड़ती तो पहले हम n फाइंड करते फिर हम phi फाइंड करते phi कैसे हमने फाइंड किया था p 1 into q 1 से फिर हम देखते कि 1 और phi के दरमियान में phi से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो phi के साथ इसका gcd 1 है वो e होना था लेकिन अब हमें यहाँ वो काम करने की जरूरत नहीं है हमें e जो है वो गिवन है तो साइफर टैक्स फाइंड करने के लिए पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला के लिए हमें पता है कि साइफर का फॉर्मूला क्या है C इक्वल टू पी की पावर n मॉड n अब यहाँ पे P ये वाला क्या है P प्लेन टैक्स है ये C क्या है साइफर टैक्स और e क्या है एक पब्लिक की जो हमें गिवन है अब हमने साइफर टैक्स फाइंड करना है और P हमें A की गिवन है तो हमें A की, आएगा। P की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास टू आ जाएगा ठीक है टू गिवन है और E की वैल्यू थर्टी सेवन गिवन आगे मॉड n n हमें फाइंड करने की जरूरत है यहाँ पे अब हमें पता है कि n किसके इक्वल होता है P इंटू क्यू एन का फार्मूला हमें पता है P इंटू क्यू अब P भी हमें गिवन है इलेवन और Q भी गिवन है सेवन हर क्वेश्चन में पी और Q जो है वो हमेशा एक प्राइम नंबर होंगे इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 77 ये हमारे पास एन आ गया है जो क्या है 77 पहला स्टेप हमने एन फाइंड करना है पी और क्यू गिवन होंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट अब हम चलेंगे अपने फॉर्मूले की तरफ फॉर्मूला हमें क्या गिवन है हमारे पास है c इक्वल है किसके p की पावर e मॉड n अब c इक्वल p की जगह मैंने टू पुट कर दिया प्लेन टेक्स अगर प्लेन टेक्स जो है वो एक डिजिट से ज्यादा डिजिट होंगे तो हमने एक दफा यहाँ टू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है और फिर एक दफा जो अगला डिजिट होगा वो मतलब जितने प्लेन टैक्स होंगे उतने ही साइफर आएंगे फिर इनको इकट्ठा करके लिख लेना है सारे आंसर उसको अब यहाँ पे एक ही प्लेन टैक्स है तो हमें एक ही बार सोल्व करना पड़ेगा पी लिख दिया है टू और पावर जो ई है वो थर्टी सेवन वैल्यू हमें गिवन थी मॉड एन हमने फाइंड कर लिया अब यहाँ पे टू की पावर है थर्टी सेवन मोड हम इसी तरह लेते हैं ना कि हम जो पावर है उसको सॉल्व करते हैं जो आंसर आता है अगर तो वो सेवनटी सेवन से छोटा से हो तो आंसर वही रहता है लेकिन अगर इससे बड़ा हो तो फिर हम उसको सेवनटी सेवन पे डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं इसी तरह आता है ना लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है कि टू की पावर थर्टी सेवन एक बहुत ही लार्ज नंबर आएगा जिसे डील करना थोड़ा मुश्किल होगा तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि हम किसी भी लार्जेस्ट नंबर का मोड कैसे फाइंड करेंगे वो अब आपने ध्यान से समझ लेना है हमें पता है कि बेसिस अगर सेम है तो पावर्स क्या होती हैं ऐड तो ये जो टू की पावर थर्टी सेवन इसको मैं दो में तोड़ सकती हूँ ना टू की पावर ट्वेंटी लिख लिया है और टू की पावर मैंने सेवनटीन लिख लिया जब मैंने ऐड करूंगी वो दोबारा थर्टी सेवन ही बनेगा अभी जो मैंने तोड़ा है ना दो पावर्स में ये आप लोगों की मर्जी है आप लोग इसको और तरह भी तोड़ सकते हो बस उस तरह दो में तोड़ना है कि जिनका सम दोबारा थर्टी सेवन ही बनता हो तो आप इनको अपनी मर्जी से भी दो नंबर्स में तोड़ सकते हैं लेकिन बैलेंस रखना है ठीक है जैसे यहाँ पे मैंने बैलेंस रखा है ट्वेंटी और सेवनटीन ये नहीं करना कि ये नंबर आ थर्टी ले लो और ये सेवन ले लो तो वो फिर वही हिसाब बन हमने इसको दो छोटे बैलेंसिंग नंबर में तोड़ लेना जैसे अगर फोर्टी होता तो हम उसको ट्वेंटी ट्वेंटी में तोड़ लेते ट्वेंटी होता हम उसको टेन टेन में तो बैलेंस में हमने तोड़ लेना अब हमने इसको सेपरेट कर लिया सेम करेंगे ये चीज बनती अब हमने क्या करना है हम टू की पावर ट्वेंटी का भी मॉड लेंगे सेवेंटी सेवन में और टू की पावर सेवनटीन का भी लेंगे अब मैंने 2 की पावर 37 को तोड़ तो लिया इन दो में अब इन दोनों का मैंने मोड 77 में फाइंड करना है अब ये जो 2 की पावर 20 है इसका आंसर भी कोई छोटा नंबर नहीं आना इसका आंसर भी एक बड़ा आएगा तो मैं अब आपको एक मेथड बताने लगी हूँ कि जिसके थ्रू हम ऐसे नंबर्स का मोड फाइंड करेंगे अब मैं 2 की पावर 20 का मोड फाइंड करूंगी

कैलकुलेटर पे आपने टू की पावर ट्वेंटी लेनी है वो थर्टी सेवन के पावर थर्टी सेवन पे तो बहुत बड़ा नंबर आ गया था ना आपने ये वाला काम कैलकुलेटर पे करना है आपने 2 की पावर लेनी है जो भी आंसर आएगा उसको सेवनटी सेवन पे डिवाइड करना है ठीक है सेवेंटी सेवन पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपको पॉइंट के बाद आप तीन से चार वैल्यूज लिख सकते हो उससे ज्यादा नहीं वहां पे आपने स्टॉप कर देना राउंड ऑफ कर लेना है आखिरी वैल्यू को ठीक है कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है टू की पावर ट्वेंटी लेनी है और उसको आपने सेवेंटी सेवन पर डिवाइड करना है जो आंसर आएगा वो ये लिख दिया उसके बाद हमने क्या करना है इस आंसर में से पॉइंट से पहले वाली वैल्यू माइनस कर देनी है पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यू लिखी होगी वो हमने क्या कर देनी है माइनस कर देनी जब हम वो माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारे पास बचेगी वो ये लिख ली ठीक है वो लिखने के बाद अब जो आंसर है उसको हमने सेवनटी सेवन के साथ मल्टीप्लाई कर देना

सॉल्व करना है इसको 77 पे डिवाइड करना है आंसर आ गया जो आंसर आना है उसमें से पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपने माइनस कर देनी है फिर जो आंसर आएगा उसको मोड पे 77 के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर लेना है तो आंसर आ गया 67 ये 2 की पावर 20 का आंसर आ गया है मोड 77 में 67 अब हम फाइंड करेंगे 2 की पावर जो आगे है 17 2 की पावर 20 का हमने फाइंड कर लिया अब हम फाइन करेंगे टू की पावर सेवनटीन का मोड सेम उसी प्रोसीजर सेम वही मेथड आपने फॉलो करना है क्या करना है टू की पावर सेवनटीन लेनी है कैलकुलेटर पे 77 सेवन पे डिवाइड कर देना है तो ये आंसर आ जाएगा जब ये आंसर आपके पास आ जाना है फिर आपने क्या करना है कि इसमें से माइनस कर देनी है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो कि हमने कर दी है. फिर ये आंसर आ जाएगा

राउंड ऑफ कर लेनी है जो आंसर आ जाएगा उसमें से हम माइनस करेंगे पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जब आपने माइनस कर देनी है तो ये आंसर आ जाएगा तो जो आंसर बचना है उसको हमने दोबारा 77 यानी के मोड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये हमने लिख ली क्लियर इसके बाद देखें आगे हम क्या करेंगे इसके बाद हमने जो है मैंने वो मैंने वही रिपीट इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने ऊपर क्या हमारे पास साइफर टैक्स था साइफर था हमारे पास टू की पावर थर्टी सेवन सेवन में थर्टी सेवन को हमने दो पावर्स में तोड़ लिया था ट्वेंटी और सेवनटीन में दोबारा अब ऐसे सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है अब टू की पावर ट्वेंटी का आंसर हमारे पास आया 67. ठीक है ये वन नहीं है ये ब्रैकेट है ठीक है टू की पावर ट्वेंटी का आंसर आया 67. पावर सेवनटीन का आंसर आया 80. हम पे बात कर रहे हैं दोनों का आंसर हमने मोर सेवेंटी सेवन पे कैसे निकाला है वो मैंने आपको बता दिया आई होप वो आपको क्लियर हो गया फिर आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना अब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आया ट्वेल्व जीरो सिक्स ये अभी भी सेवनटी सेवन से बड़ा आया है ठीक है अभी भी 77 से क्या है ये बड़ा तो हमने ट्वेल्व जीरो सिक्स का फिर सेवेंटी सेवन पर मोड ले लेना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अब ये जो ट्वेल्व जीरो सिक्स है ना ये बहुत छोटा नंबर हो गया पहले था टू की पावर थर्टी सेवन जब हम टू की पावर थर्टी सेवन तो बहुत बड़ा नंबर आ गया था जिसका मोड लेना मुश्किल था तो फिर हमने इसको तोड़ के सोल्व किया तो 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 एक एक आंसर आ आ आ गया, गया, गया देखो 67 भी 77 से भी 77 से 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 छोटा छोटा और है। तो फिर जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12, 0, आ गया जो कि बड़ा है मोड हमने तब तक लेना है जब तक वो 77 सेवन से छोटा नहीं हो जाता ठीक है मोड का यही मतलब होता है ना कि अगर तो सेवनटी सेवन से वैल्यू छोटी है फिर वही रहती है लेकिन अगर बड़ी आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं पहले उसको सॉल्व करते हैं तो हमने अब अब सिंपल वही काम हम करेंगे जो हम मॉड लेने के लिए करते हैं हम ट्वेल्व जीरो सिक्स को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे सेवनटी सेवन पे जो रिमाइंडर बचेगा वो हम लिखेंगे तो ये हमने क्या किया है हमारे पास 1206 आ गया था ना मॉड 77 में हमने 77 पे इसको क्या किया डिवाइड तो नियरेस्ट वैल्यू आप पता क्या क्या करो अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता कि मैं 77 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आए तो आप 1206 को 77 पे डिवाइड कर लिया करो जो आंसर आता है ना तो उससे मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ आती है आप जब ट्वेल्थ जीरो सिक्स को सेवनटी सेवन पर डिवाइड करोगे ना वो फिफ्टीन पॉइंट समथिंग आएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि सेवनटी सेवन को मैंने फिफ्टीन के साथ मल्टीप्लाई करना है ठीक है डायरेक्ट अगर आपने इसको करना है अगर आप इसको बारी बारी नहीं करना चाहते तो आपने ट्वेल्थ जीरो सिक्स को जब आप सेवनटी सेवन पर डिवाइड करोगे तो आंसर फिफ्टीन पॉइंट समथिंग आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि सेवनटी सेवन को हमने फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ट्रायल नहीं लेना पड़ेगा कि ट्वेल्व से करूँ थर्टीन से करूँ आपने जब सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो

अब नेक्स्ट जो है मैं एक आप लोगों को मैसेज बताने लगी हूँ जो आपने इसी क्वेश्चन से करना है ठीक है मैसेज है यू कैन ट्रस्ट मी ठीक है ये मैसेज है हमारे पास क्या है मैसेज यू कैन ट्रस्ट मी अब आपने क्या करना है कि जो आपको है। अच्छा जो आपको असाइन है बच्चों ये अल्फाबेट्स आते हैं ना ये चाहे चाहे स्मॉल हो आपके पास कैपिटल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैसेज में आप लोगों को सारे स्मॉल लेटर्स हैं तो आप इनको स्मॉल ही असाइन करोगे तो वो स्मॉल ही आएंगे सारे आंसर आप इसको चाहे कैपिटल असाइन कर दो चाहे स्मॉल कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता बस अल्फाबेट सही होना चाहिए आपका अगर आप स्मॉल लेना चाहते हो तो आप अगर मैसेज स्मॉल लेटर्स में है तो आप इसको स्मॉल के साथ ही इसको कोड भी इसको स्मॉल लेटर में दे सकते हो अगर कैपिटल में भी दे, दे देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस अल्फाबेट सही होना चाहिए वो स्मॉल है चाहे कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता अब आपने जो ये जो लेटर्स है ना वाई ओ यू टेबल से देख लेना इसको ए को वन असाइन करके जी तक जीरो हो जाएगा तो हमने क्या करना है वो असाइन इनकी लिख लेने है, कि जो जो नंबर इनको असाइन है वो नीचे आपने लिख लेने फिर यहाँ पे तो प्लेन टेक्स्ट टू था ना अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे प्लेन टैक्स होंगे ये जो साइन मतलब थर्टीन प्लेन टैक्स आएंगे इन थर्टीन की ही आपने इसी तरह पावर लेके थर्टीन साइफर टैक्स ये तो एक प्लेन टैक्स से एक साइफर टैक्स आया ना आपने इन तेरह प्लेन टैक्स से तेरह साइफर टैक्स जो हैं वो करने हैं. है वो जेनरेट हैं ठीक है इसी तरह पावर्स लेनी हर मोड मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया इसी तरह आपने जो है ना वो मोड को सॉल्व कर लेना मोड को सॉल्व करते हुए इसी मैसेज पे आपने ये क्वेश्चन रिपीट करना है ताकि आपको मोड लेना आ जाए नेक्स्ट है आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन आप आज जो है का टॉपिक आपका हो गया। आपको मैंने एक साथ साथ आर एस से अलगोरिदम फॉर फॉलोइंग अब पी की वैल्यू थ्री है क्यू इलेवन है ई e सेवन है और प्लेन टेक्स फाइव है इसमें मैंने आपको प्लेन टेक्स ए की दिया है फाइव अब आपने

Encryption कर लोगे साइफर आ जाएगा उस साइफर टेक्स्ट को यूज करते हुए डिक्रिप्शन करना और चेक करना कि प्लेन टेक्स्ट फाइव भी आता है फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी डी की वैल्यू भी ठीक है और आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है तो आपको जो भी क्वेश्चन पेपर में आए आप इंक्रिप्शन भी कर लेना और उसकी